की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बीती रात एक युवक को गोली मार दी। गोली युवक के हाथ में लगी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिलादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार की यह घटना है। घायल युवक जामापुर बाजार निवासी रियाज अली का पुत्र खुर्शेद अली बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने फोन कर जामापुर मस्जिद के पास खुर्शेद अली को बुलाया और गोली मारकर जख्मी कर दिया। वही घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और घायल युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल युवक की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया है। युवक को किस वजह से गोली मारी गई है इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को बीती रात गोली मार दी है। गोली युवक के हाथ में लगी है, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार की ये घटना है। घायल युवक जामापुर बाजार निवासी रियाज अली का पुत्र खुर्शेद अली है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने फोन करके जामापुर मस्जिद के समीप खुर्शेद अली को बुलाया और गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी आसानी से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और घायल युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घायल युवक की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। युवक को किस वजह से गोली मारी गई है इसका पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। तुमको पता नहीं है, किसी ने इसको फोन किया, इसका वाइफ बता रही थी। तकरीबन 7:30 बजे घर से गया और पता नहीं उसको किसने गोली मारा, तो बच्चे ने आकर गिरा हुआ था जख्मी हालत में, तो बच्चे ने इसको आकर बोला घर पे तो आपका भाई वहाँ पर गिरा हुआ। हम लोग दौड़ के गए तो इसको उठा कर यहाँ सदर हॉस्पिटल में लेके आए। जीरादेई थाना बारी को हम लोग सूचित किए तो सर यहाँ पर आएंगे, उसे स्टेटमेंट लेकर लिख रहे हैं। क्या पहले तो कोई दुश्मनी थी इनकी? हमको पता नहीं है, वही बताएगा। ऐसे तो मुर्गा काटता है, कोई बड़ा पैसा वाला तो नहीं है, तो उससे किसी से दुश्मनी होगा। अब पॉकेट में पैसा उसके पास था 20,000 रुपया, बकरी वगैरह खरीदता है, मुर्गा काटता है। अब उस दुश्मनी में उसको किसी ने कुछ किया क्या कि हम नहीं बता सकते, वही बताएगा, होश में आएगा तो बताएगा। कितने बजे घटना हुई? तकरीबन 7:30 के बाद शाम को। कहाँ घर पड़ेगा? जामापुर थाना जीरादेई। नाम क्या पड़ेगा उनका? खुर्शेद आलम। पिता का नाम? रियाज मियां। आप अपना नाम? मेरा नाम नजरे हुसैन है। आप कौन है उनके? उनका फुफेरा भाई लोग, मेरा फुआ का लड़का है। देखिए, जीरादेई थाना के जामापुर गांव में खुर्शीद आलम पिता रियाज मियां के पुत्र हैं और उन्हें मुर्गा के कारोबार करते हैं, मुर्गा के बिक्री करते हैं, काट बेचते हैं दुकान लगा कर। बहुत ही निर्धन परिवार के लड़का है और उन्हीं के गांव के उनके फोन पर कॉल करके उनके दोस्त ने बुला कर और गाँव ही के पोखरा मठिया के पास ने गोली मारने का काम किया, जिसके बाह में लग गया था, जिसका सिवान सदर अस्पताल में हम लोग प्रथम उपचार कराकर बेहतर के लिए बाहर भिजवाने का काम किए, जो सिवान प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले एक दोस्त ने बुला के अपने दोस्त को गोली मरवा दिया था। उसी तरह ये भी घटना घटा है कि दोस्त ने दोस्त को, तो हमको लगता है कि अगर इस तरह की लगातार घटना घटते रहेगी तो कोई इंसान दोस्त पर विश्वास नहीं कर सकता है। बाकी होनी हो गया है तो हम प्रशासन से मांग करते हैं
और जीरा दही थाना प्रभारी से कि इस घटना में जो भी व्यक्ति परिजन के द्वारा आवेदन पड़ता है, जो व्यक्ति दोषी है उसको अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजाए की व्यवस्था किया जाएगी, ताकि आने वाले समय में वो फिर से दूसरा कोई गलत काम करने का उसका मनोपूर्ति न बढ़ पाए। बिहार न्यूज एक्सप्रेस देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अभी तक आपने अगर बिहार न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।